लोकसभा के रण का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इधर कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर अभी भी मंथन चल रहा है। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल लेंगी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मंथन होगा, चिंतन होगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर देगी। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, चिंतन जारी है, सूची की अब बारी है कांग्रेस में। अध्यक्ष रजनी पाटिल ये बैठक लेंगी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात करें तो वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है लेकिन कांग्रेस अभी भी चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती हुई नजर आएगी। तो कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में है क्योंकि 11 लोकसभा सीटें और हर सीट को अगर देखें, समीकरण वहां का देखें तो कई दिग्गज हैं जिनके नामों की एक लंबी फहरिस्त भी है। तो ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, भाजपा अपनी सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस अभी भी चिंतन मंथन कर रही है, तो भाजपा की सूची जारी होने के बाद क्या कांग्रेस दबाव में आ रही है? अब निश्चित रूप से ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि जो बैठक कल होने वाली थी स्क्रीनिंग कमेटी की उसे आज ही रखा गया है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। रजनी पाटिल जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है छत्तीसगढ़ के लिए, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं इस वक्त और आज ही बैठक में शामिल होंगे। सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए नामों पर मंत्रणा की जाएगी। ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। कई सीटों से जहां पर नए चेहरों को उतारने की बात आ रही थी वहां पर अब वरिष्ठ नेताओं की सीटें बदलकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी, जिस तरह से रायपुर लोकसभा से अचानक रविंद्र चौबे का नाम उभरा है, कई सीटों पर बदलाव की बातें सामने आ रही, रायगढ़ से अपरजीत भगत का नाम लिया जा रहा है, तो इस तरह के कई बदलाव भी जो है रणनीतिक रूप से वो देखने मिल रहे हैं। इसलिए जो आज की बैठक होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल गौरव, अगर ये देखें 11 लोकसभा सीटों को अगर समझना चाहें तो इनमें एक अनार सौबेमार की स्थितियां दिख रही हैं क्योंकि एक सीट लेकिन दिग्गज कई हैं, कई नाम हैं, इसमें चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी कांग्रेस की। निश्चित रूप से दिग्गजों की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज जो है वो चुनाव मैदान में इस बार नजर आने वाले हैं, लेकिन नए चेहरे जो थे जो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी उन्हें कहीं ना कहीं इस बार निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि अब कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद सभी सीटों में वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इस पर गंभीर चिंतन मंथन जो है वो आज की बैठक में किया जाएगा और इसी के साथ साथ नाम भी तय कर दिए जाएंगे और जल्द से जल्द सीसी की बैठक के बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। जी तो बिल्कुल चिंतन जारी है और अब कांग्रेस की सूची की बारी है। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।